हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा हेयर मास्क मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप महीने में एक बार ही लगा के अपने अपने बालों को, फ्रीजी बालों को स्मूथ और शाइनी बना सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इंग्रेडिएंट सारे ही हमारे घर पर अवेलेबल है और आप इसे वंस इन अ मंथ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए झटपट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आपका राइट बनाना। जी हाँ, हमें पके हुए केले लेने हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में हम सबको पता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें लेना है अंडा, हमें यहाँ पे पूरा अंडा लेना है। और नहीं, उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट है रॉ हनी। मैं यहाँ पे खादी ग्राम उद्योग के जो रॉ हनी है वो इसको यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा नारियल तेल। ये भी मैं खादी ग्राम उद्योग से लिया हुआ, जो हमने हम लोग पर्सनली जो यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा तेल होता है। नॉन स्पॉन्सर वीडियो है ये खादी का, ये हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। ये तेल और हनी बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप लोगों के आसपास कहीं है तो ज़रूर इसे आप लोग प्रेफर कीजिए। और उसके बाद हम इसमें लेंगे एक चम्मच लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। और अभी जो है इन सारी चीज़ों को हमें जो है साथ में ब्लेंड कर लेना है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेयोनीज़ में काफ़ी भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे मैं एगलेस मैं मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे आप एग मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको एक साथ आप ब्लेंड कर लें, उसके बाद आप इसे हेयर कलर एप्लीकेटर बॉटल में आप इसे डाल लें इस पूरे मिक्सचर को। उसके बाद आपके बालों में इसे अप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाता है। बिल्कुल आपको इसी प्रोसेस से जो है छोटे छोटे सेक्शंस लेके बालों को डिवाइड करके आपको ऊपर अच्छी तरीके से जो है ऊपर से नीचे तक आपको लगाना है। और उसके बाद फ्रॉम रूट टू टिप, और आपको उसके बाद पूरे बालों की लेंथ में भी आपको इसे अप्लाई करना है। लिव इट फॉर 30 to 45 minutes एंड देन वॉश इट ऑफ विद एनी माइल्ड और हर्बल शैम्पू एंड यू विल सी द डिफरेंस। इस हेयर मास्क को आप ज़रूर से वंस इन अ मंथ ज़रूर आप अप्लाई करें, और आपके एक बार इसे इस्तेमाल करने के बाद आपके इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक आपके बालों में रहने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से नेचुरल शाइन रहने वाला है, क्योंकि इस रेसिपी में हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया है वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। बनाना, जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट शाइन और डैंड्रफ प्रिवेंट करने के से बचाता है, डैंड्रफ को दूर रखता है, प्रिवेंट फ्रॉम स्प्लिटेंस ऑल्सो। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स होता है, पोटेशियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो कि ओवरऑल हमारे बालों के लिए, हमारे बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हमने लिया है एग, जो कि एक नेचुरली सुपर फूड माना जाता है हमारे बालों के लिए। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, ई, बायोटिन और फॉलेट पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के नेचुरल ग्रोथ और उसको रिटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को नेचुरली हेयर ग्रोथ देने में मदद करता है, हमारे स्कैल्प को नरिश रखता है, सन के हार्मफुल रे से भी हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही हमारे बालों को एक नेचुरल शाइन भी देता है। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको आपके बालों में डिफरेंस नज़र आएगा। हो सकता है आपके वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग या फिर आपके वहाँ के वाटर के अकॉर्डिंग आपको मे बी शायद 1 से 2 एप्लीकेशन करना पड़े, पर आई एम डैम श्योर, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हमने इस मास्क में अप्लाई किया है, यूज़ किया है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो ज़रूर से आप इसे अपने बालों में अप्लाई करें, और इसका रिज़ल्ट जो है फ़ोटो के साथ आप मुझे मैसेज करें मेरे फेसबुक चैनल पे, या आप मुझे ज़रूर से टैग करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।